और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको असम से बताएंगे, जहां पर असम सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुस्लिम विवाह और तलाक पर अब काजी फैसला नहीं लेंगे, बल्कि एक विधेयक रखा गया है असम की विधानसभा में। आपको बता दें, हेमंत सरकार का ये बड़ा कदम है। असम सरकार करेगी मुस्लिम विवाह तलाक का रजिस्ट्रेशन, काजी या मौलाना नहीं कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन, और इसी को लेकर एक विधेयक विधानसभा में रखा गया है। जब वो पारित हो जाएगा, पास हो जाएगा, कानून की शक्ल ले लेगा, तो उसके बाद एक ये बड़ा कदम हेमंत सरकार का असम के लिए होगा। आपको बता दें, मुस्लिम विवाह और तलाक के 1935 का जो कानून है, जो उसको रद्द कर दिया जाएगा, और 2024 ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दी जा चुकी है। असम सरकार का ये बड़ा कदम है और यहाँ पर मुस्लिम विवाह और तलाक पर अब काजी फैसला नहीं लेगा, ये बड़ी जानकारी है। क्या कुछ कहा हेमंता विश्व शर्मा ने, आपको सुनवाते हैं। जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे, आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। और उस बिल में पहले प्रावधान था कि माइनर का भी मैरिज भी रजिस्टर हो सकता है, आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो बेसिकली यही दो प्रोविजन है, बेसिकली साइल मैरिज, वी वांट टू अटैक ऑन द साइल मैरिज। तो इसी बीच आपको बताते हैं, हेमंत सरकार का ये बड़ा कदम है, असम सरकार अब करेगी मुस्लिम विवाह तलाक का रजिस्ट्रेशन, काजी या मौलाना नहीं कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। हेमंत कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दी है, मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दी जा चुकी है। तो असम में एक बड़ा कदम उठाया गया, अब मुस्लिम विवाह का पंजीकरण काजी नहीं करेंगे बल्कि सरकार करेगी। आज असम कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 की स्वीकृति दे दी है। इसमें दो विशेष प्रावधान हैं मुख्य तौर पर। पहला, बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा। अगर बाल विवाह होता है, उसका पंजीकरण कराया जाता है किसी भी तिकड़मबाजी के जरिए, तो वो अवैध माना जाएगा, पहला। और दूसरा, मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अब काजी नहीं कर सकेंगे, वो मान्य नहीं होगा, वैध नहीं होगा, बल्कि सरकार करेगी, सरकार ही इस पर फैसला लेगी। और आपको बता दें, इसी विधेयक को आज असम की विधानसभा में स्वीकृति दी गई है। इसी का जिक्र अब से कुछ देर पहले हेमंता बिस्वा शर्मा कर रहे थे। तो असम के लिए बड़ी छुट्टी, अब असम में काजी की छुट्टी हो गई है, और ये बड़ा कदम आपको बता रहे हैं असम सरकार का। मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी मिल गई है, बदलेगा अब 90 साल पुराना कानून, क्योंकि अब बड़ा कदम उठाया जा चुका है असम सरकार द्वारा। असम में हेमंता का ये एक इंसाफ करने वाला कदम है, जो जनता जबरन उस तरह के कानून को, नियम को अपनाने के लिए मजबूर थी, जिससे कहीं ना कहीं खुश नहीं थी। और गुवाहाटी से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे रुक करते हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, एक बड़ा फैसला है और सरकार ने कहा है कि आज से ही इसे लागू कर दिया जाएगा, क्या अपडेट? आपको पहले बता दें कि मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 जो है, उसको प्रेरित करने के लिए सारे कदम उठाए गए हैं। असम रिपीलिंग एक्ट को कल सदन में पेश किया गया, और उसके बाद आज अब अगस्त 27 या 28 को असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट बिल 2024 को पेश किया जाएगा, और उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। कानून को, इस कानून को प्रेरित करने के लिए सदन में बीजेपी और उनके जितने भी गठबंधन में जितने भी साथी हैं, उनके पास बराबर के नंबर है, और इसके लिए ये कह सकते हैं कि सदन में पेश करते ही इस बिल को प्रारित कर दिया जाएगा, और उसके साथ ही ये तुरंत ही लागू हो जाएंगे। और सूत्रों के यदि हम पुष्टि करें तो इसी महीने से ये असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 2024, जिसको नए रूप में लाया गया है, जिसके तहत काजियों की छुट्टी कर दी गई है, उसको इसी महीने से लागू कर दिया जाएंगे। स्टूडियो बिल्कुल
अनिरुद्ध, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि इसी महीने से ये जो कानून है वो लागू हो जाएगा, तो ऐसे में क्या कुछ विशेष प्रावधान रहेगा वो भी आप दर्शकों को जरा बताइए, और जब ये कानून लागू होगा तो उनमें किन बातों का ध्यान रखने के लिए कहा जाएगा? जी, ये बिल क्योंकि अभी तक सदन में इस बिल को पेश नहीं किया गया है, सदन में इस बिल को 27 या 28 को पेश किया जाएंगे, तो हम लोग को जो भी खबर अभी तक मिली है वो सूत्रों के हवाले हमको मिले है कि इस बिल में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, और जितना जानकारी आप तक हमने पुष्टि की है उससे हम लोग ये जरूर बता सकते हैं कि इस बिल में विवाह का जो उम्र है वो 18 कर दिए गए हैं, जबकि पहले काजी जिसको भी चाहे वो मान्यता दे सकता था, अब काजी का पास वो मान्यता नहीं रहेंगी, काजियों की छुट्टी कर दी गई है, और कानूनन तौर पर सब रजिस्टर के ऑफिस में जाकर के विवाह को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या फिर कोई यदि डिवोर्स के लिए भी अपील करेंगे तो उसको भी सब रजिस्टर के ऑफिस के जरिए करना पड़ेगा, और हम ये बता सकते हैं कि इसके साथ साथ कई सारे और भी प्रावधान लाए गए हैं, जैसे कि यदि किसी हाल में यदि माइनर से कोई जबरन शादी करता है तो उस पर भी ठोस कार्रवाई की जाएंगी, और ठीक है अनिरुद्ध, ये सरकार का बड़ा फैसला है, लेकिन इस बीच एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये सीधे कीव से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उस जगह पर पहुंचे हुए हैं जहां कीव में बापू की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, और हम देश में भी देखते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू के रास्ते पर, बताए रास्ते पर, उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहे हैं, खुद भी समय समय पर किसी भी बड़े काम की शुरुआत से पहले बापू को नमन करने के बाद ही वो आगे बढ़ते हैं, और आज भी जब यूक्रेन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि यात्रा उनकी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है रूस और यूक्रेन के रिश्तों के लिहाज से, क्योंकि जो स्थितियां 2.5 साल से बनी हुई हैं उस पर दुनिया की राय रही यही है कि अब हालात वहां सामान्य होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे थे तो बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों ने भी उनका स्वागत किया था, और अभी भी जब प्रधानमंत्री बापू को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, तब भी आसपास जो लोग मौजूद है, खासतौर पर भारतीय समुदाय के लोग, वो लोग अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर उत्साहित हैं, क्योंकि वॉर की स्थिति लगातार, वॉर के हालात वहां पर लगातार बने हुए हैं पिछले 2.5 साल से, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका रही है कुछ घंटों के लिए युद्ध रुकवाने के से लेकर भारतीयों को सकुशल वापस अपने देश लाने तक लेकर, उसको लेकर पूरे दुनिया भर में इस बात की चर्चा रही है कि भारत के प्रधानमंत्री हमेशा से शांति प्रिय कदम उठाने के लिए और जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसको बेहतर कराने के लिए बात करते रहे हैं। फिर प्रियंका, चाहे रूस जाकर बात की हो व्लादिमीर पुतिन से या फिर ज़ेलेंस्की से आज उनकी जो मुलाकात होने वाली है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अनामिका, और ये तस्वीरें देखिए, अपने दर्शकों को दिखा दें, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव से आपको दिख रहे हैं इन तस्वीरों में, और साथ ही वहां के लोगों ने भी गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। लेकिन देखिए पहले मोदी ने कैसे बापू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं, और ये जो दौरा है कई मायनों में खास है, पूरी दुनिया की नज़र है, अमेरिका भी इस दौरे पर नज़र बनाए हुए हैं। माना ये जा रहा है कि जो युद्ध लगातार पिछले 2.5 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है उस पर विराम लग सकता है।